मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। डाबड़ा चौक के नए पुल के उद्घाटन के बाद डाबड़ा चौक पर डिवाइडर लगाकर वहां का रास्ता बंद कर दिया गया था, जो कि तोसाम रोड और सेक्टर 13 के लोगों को पुल के नीचे से होकर जाना पड़ता था, जिसके चलते वहां के दुकानदारों और आम जन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते वहां के लोगों ने आज डाबड़ा चौक स्थित रास्ता जाम कर दिया। इसी के चलते डाबड़ा चौक पुल व जिंदल चौक से आने वाले वाहनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे है सुन लो, ऐसे आप एक बात होने, आप सारे पास सुनो, जो हमारी एक बात सुनो, ये लोग जीरो की गाजा होगी, समझ गए, आपकी बात ये भीड़ का जाओ उतर जाओ, दस साल से यहाँ गए रहो, इतने साल से यहाँ बैठे सब देखा ना, आपकी बात तो मान गया, अफसर को देखने के लिए, ऐसे है, आप पढ़े लिखे हो, इनकन्वीनियंस है किसी वजह से, दूसरी वजह से चलने की वजह से, दो ज्यादा मार्केट की बात एक बात अच्छा मारली बात बता इस बार बने आप मारली बात लिख के मामला रखने देंगे तो आप तो ढाण के कह रहे हैं ढाण के कह रहे हैं हम यही खड़े हैं आप हमारे को दे दो हम आपका काम कर देंगे वो बोलो ढाण या तीन ही पैरे लें के दर लगा दो अपने लपे तू अपने जो काले दे दो काले दे काले करा अब नहीं एक काम कर लो एक काम कर लो ऐसे तो साहब हमारे में घड़े बंदे उठा के धर देंगे आप अपनी दुकान बताओ दो आदमी मार लग रहा है। यह जाम कर रहे लोगों व जिला प्रशासन से जद्दोजहद के बाद इस डिवाइडर को एक हफ्ते ट्रायल के लिए हटाकर देखा जाएगा। इस बात पर दुकानदारों व वहां के लोगों ने प्रशासन से राजी होकर धरना हटा लिया। वहीं जिला प्रशासन ने जाम से किसी भी आमजन में ट्रैफिक को क्षति न पहुंचे, इसलिए पुलिस फोर्स को बुलाया गया। एक हफ्ते के लिए सारा सिस्टम है, एक हफ्ते तक आप ट्रायल के तौर पर जाम नहीं लगाएगा तो चौराहे का बनेगा या बत्ती का बनेगा, जो भी अधिकारी उचित समझेंगे, प्रशासनिक अधिकारी PWD जो उचित समझेंगे वो समाधान हो जाए पब्लिक से मिलकर। आज अभी डिवाइडर हटा रहे हैं आप, एक ऐसा ही तौर पर ये जो बैरिकेड लगाए वही हटा रहे हैं पब्लिक की मांग पर। डाबड़ा चौक के प्रधान के साथ अमित ग्रोवर, उदयवीर मिंटू व जितेंद्र शोरान भी धरने में आमजन का साथ दे रहे थे। लोगों ने जिला प्रशासन के निर्णय के खिलाफ जाकर नारेबाजी भी की। डाबड़ा चौक एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि डिवाइडर की वजह से आम जन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अगर जिला प्रशासन हमारी समस्या का हल नहीं करेंगे तो हम दोबारा सड़कों पर होंगे। सर, ये धरना प्रदर्शन क्यों किया गया है और आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो पुल के ऊपर जो रास्ता आर्मी खेत जाता है, डाबड़ा चौक मार्केट जाता है, तुसान से जाता है, इसको अलग अलग जगह से डाइवर्ट कर दिया, जो पहले जैसा समाधान था उसी तरह रखा जाए। सर, जब ये पहले बन रहा था तो ध्यान क्यों नहीं दिया? हमने ध्यान दिया था, उनको बोलना भी था, करने लगे एक बार टेम्परेरी है, पुल का उद्घाटन होने दो, उसके बाद इसका समाधान कर दिया जाएगा। तो आपके हिसाब से इसका समाधान क्या होना चाहिए? इसका समाधान या तो यहाँ लाइट लगवाओ या यहाँ पहले जिस तरह गोल चौक था इसी तरह चौक बनाया जाए, या जिस तरह अपने हिसार में वो है ना बीकानेर चौक, वहाँ भी तो लाइटें लगी, वो भी कामयाब है, वहाँ भी लग रहा है। इससे आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आने जाने वाले को है वो तो अलग बात है, मार्केट के अंदर भी है, अमेरिका लगभग 80% जो है हमारा व्यापार जो ठप हो चुका है। वहीं नगर परिषद अमित ग्रोवर ने बताया कि इस समस्या को हमने जिला नगर प्रशासन को अवगत करवाया गया था, लेकिन प्रशासन ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आम जन व दुकानदारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी, अगर डिवाइडर हटाकर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला प्रशासन क्या कदम उठाएगा। अमित जी, आप बताइए क्या मतलब जो समस्या आपके सामने है? ऐसा है जी, पहले भी हम लोग इस BS कुकर साहब से भी मिले थे इस मामले को लेकर के, और मार्केट के दुकानदारों का काम तो ठप हो ही गया है, एक जीवन किसी की जीवन जो चलती है वो बंद हो जाए,
तो जीवन यापन करने का साधन, तो क्या हालत हो तो आप समझ सकते हैं। उसके साथ साथ वार्ड 13 और वार्ड 14 के 50,000 से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। इधर से उधर जाने का रास्ता बंद हो गया। सेक्टर 13, 16, 17, 9, 11 मॉल टाउन के लोग बड़े परेशानी में हैं। स्कूली बच्चे जो हैं वो जाम के अंदर, बसें जो है पुल के नीचे से निकलने का रास्ता नहीं है, तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी डिमांड यही है कि आप जल्द से जल्द, हम लोग पहले भी संज्ञान में ला चुके हैं प्रशासन से, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए, हम लोगों ने सीधा एक आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री जी को हम शुभकामनाएं भी देंगे, पुल शुरू हुआ है, लेकिन इस बात की मांग रखें कि दावड़ा चौक शुरू किया जाए। लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार किया, क्योंकि कोई रिपोर्ट ऐसी थी कि हम लोग धरना विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसा कोई हमारा औचित्य नहीं था। हम चाहते हैं कि दावड़ा चौक खुले और ताकि व्यापार भी चले सभी का और आवागमन का साधन भी सही रहे। सरकार ने पुल बनाया है, हम इसका स्वागत करते हैं कि अच्छा काम किया है, लेकिन ये क्या कि किसी से बगैर पूछे अधिकारी क्या 10वीं पास बैठे या अनपढ़ बैठे हैं कि जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है? चौक का मतलब क्या होता है? जहाँ से लोग आसपास होंगे, आर पार होंगे, ये तो बंद कर दिया चौक कहाँ का रह गया? ये तो पुरानी चीज़ों का नाम मिटाने में तुले हुए हैं, सिर्फ एक झूठा श्रेय लेने के लिए जल्दबाजी में चुनावी प्रचार कर रहे हैं कि भाई हमने पुल बना दिया और लोग चाहे मरते रहे। यानी देख रहे कितनी बड़ी मार्केट है, कहाँ जाएंगे लोग? बस समस्या है, सारी मार्केट में परेशान है, सब काम धंधा बंद हो गया। पहले भी चौक था, दोबारा चौक खोला जाए या रेड लाइट लगाई जाए। और इसी तरह शहर की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़।